पेड़ पौधों द्वारा, पादपों द्वारा लाइट या सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, पेड़ पौधों द्वारा लाइट या सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके CO2 गैस को इन्वॉल्व करके उसका साथ लेकर के जड़ व खनिज लवण, जड़ जो पानी व खनिज लवण का अवशोषण करता है उसके सहायता से पत्तियों द्वारा पादपों में भोजन का निर्माण करना और उस प्रक्रिया के पश्चात उस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ऑक्सीजन का उत्सर्जन इसी क्रिया का एंड प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों में वातावरण से CO2 को ग्रहण किया जाता है। वातावरण से CO2 को ग्रहण स्टोमेटा पादप के अंदर रंध्र उपस्थित होते हैं उन रंध्रों द्वारा किया जाता है और इन रंध्रों के अलावा, पादपों की जड़ों द्वारा पानी व खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है, ये भी पत्तियों तक आ जाता है और लाइट प्रकाश ग्रीन पाक जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है इसका उपयोग करके CO2, वाटर, मिनरल्स और सनलाइट का यूज करके पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसकी रिएक्शंस इस प्रकार से 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर फोटोसिंथेसिस गिव्स राइज इनटू एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स प्लस 6 CO2। ये इसकी एक सिंबॉलिक रिएक्शन है जिससे 6 CO2 प्लस 12 H2O लाइट और क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल इसका यूज करके शुगर का कंपाउंड बनाता है, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको बाहर निकालता है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन या परिभाषा या कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में लिखे हैं तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ ग्रीन प्लांट, इट कैन बी एल्गी, इट कैन बी ब्रायोफाइटा, इट कैन बी टेरिडोफाइटा, इट कैन बी जिम्नोस्पर्म, इट कैन बी एंजियोस्पर्म एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नॉस्टॉक एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी सोलर एनर्जी या सनलाइट एंड CO2 का यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को एंडोजेनिक केमिकल सिस्टम, ये एंडोजेनिक एनर्जिक सिस्टम कहते हैं। ये एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मेन टू से इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। ऐसी सभी रिएक्शंस जो एनर्जी लिबरेट करती है उनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाता है। ये उन सभी ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होता है जिन प्लांट ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक मीन टू से द प्लांट हैव क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होने के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज यूज फॉर फ्यूल, उसी को फिर एनर्जी जब रेस्पिरेशन करेगा
प्लांट, तो उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी लिबरेट होती है। जस्ट लाइक इसको रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करता है प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एमिनो एसिड, सेलुलोज और स्टार्च को यूज करता है। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। हाउ कैन वी से इट रिडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज 6CO2 इज कन्वर्टेड इनटू बिकम रिड्यूस्ड इन कार्बोहाइड्रेट C6H12O2, दैट्स व्हाई इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन, मीन्स वाटर इज ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, इसलिए रिडॉक्स ऑक्सीडाइज रिएक्शंस कहलाती है। ऑक्सीडाइज में C6H12O6 BCO2 होता है और बिकम रिड्यूस होता है वाटर और वो इसमें रिएक्शंस बनती है। जस्ट लाइक दिस इज ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजन, मीन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके ये फोटोसिंथेटिक यूज करती है। जैसे ये ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है कि जो एल्गल या वाटर प्लांट है जस्ट लाइक एल्गी, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं या समुद्र में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, समुद्र में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, फिर प्लांट्स और एनिमल्स इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये इसमें लाइट स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है। इसको अपन ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोटोसिंथेसिस सिस्टम है। दिस इज द विजिबल लाइट वी कैन यूज ओनली, जस्ट लाइक गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और ओनली विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम विच इज स्मॉलेस्ट लाइट स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड आफ्टर देन देर आर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, प्योर ऑरेंज और रेड। रेड लाइट में मैक्सिमम वेवलेंथ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और अपन पिगमेंट सिस्टम की बात करते हैं, पिगमेंट सिस्टम सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, मीन्स क्लोरोफिल, ऐसा पिगमेंट सिस्टम अपन उनको कहेंगे जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण में यूज आ जाता है या प्रकाश संश्लेषण में काम कर लेता है। जैसे जो सनलाइट आती है वो लीफ पे गिरेगी तो उसका 10% सनलाइट यूज होती है फोटोसिंथेसिस करने में और रिमेनिंग जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती है। जो सनलाइट यूज होती है, उपयोग में ली जाती है, उससे वो क्लोरोफिल ए के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है उसका ब्रेक डाउन होकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के कारण ये इलेक्ट्रोजेनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें पिगमेंट सिस्टम की बात करता है, क्लोरोफिल मैन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए होता है जो मोस्ट अबंडेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ये ब्लू और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग ऑल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें एसेसरीज पिगमेंट, वो तो नेसेसरी पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए, तो रिमेनिंग एसेसरीज पिगमेंट में क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड्स, जैंथोफिल होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है ब्लू और रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि कैरोटीन्स होता है जो ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करता है, ऑरेंज और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से जैंथोफिल जो होता है वो ऑब्जर्व करता है पर्पल और ब्लू लाइट को, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, पर्पल ब्लू और ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करता है जबकि येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसा कि इसमें ये भी बताया जाता है, जो जिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो उसका कलर हो जाता है। जस्ट लाइक
क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर का है, इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, जस्ट लाइक क्लोरोफिल बी इज आल्सो ग्रीन इन ग्रीन कलर, दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। इन कैरोटीन ऑरेंज और रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका कलर ऑरेंज और रेड कलर का होता है। जेंथोफिल जो होता है येलो कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका कलर येलो कलर का होता है। ये इसका पिगमेंट सिस्टम का हो गया। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है ये सब में पाया जाता है। एंड एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरेटिनोइड, जेंथोफिल और कैरोटीन्स होता है। ओके, जिनका कलर क्लोरोफिल ए का मेजर कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी का मेजर कलर येलो होता है, कैरेटिनोइड्स का ऑरेंज रेड एंड येलो होता है। ये प्लांट एल्गी एंड बैक्टीरिया सब में कॉमन फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी केवल प्लांट और एल्गी में पाया जाता है, कैरेटिनोइड्स प्लांट एल्गी एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन विच वी कैन शो दिस इज द लीफ एंड इन लीफ दैट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, दे इनटेक CO2 एंड एक्सहेल O2, जस्ट लाइक दिस इज मिडरिब एंड क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन बोथ साइड, दिस आइसो बाइलेटरल लीफ, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन बोथ साइड, दिस इज द सेक्शन ऑफ लीफ एंड दिस इज द सेक्शन एमएमएम ऑफ द सेक्शन ऑफ लीफ, देयर इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लीफ और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज थाइलेकोइड, थाइलेकोइड्स थाइलेकोइड्स ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम एंड CDNA इज आल्सो इन देयर। ओके, वी कैन सी द अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल क्लोरोप्लास्ट। लाइट यहाँ से जो आती है इसको सबसे पहले जो एब्जॉर्ब करता है वो थाइलेकोइड्स ही एब्जॉर्ब करता है। थाइलेकोइड्स में क्वांटाजोम्स होते हैं, क्वांटाजोम्स इसको यूज़ करते हैं और रिमेनिंग लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये ग्रेनम, ग्रेनम में इंटरग्रेनम होते हैं और इसको ट्रांसमिटेड कर देते हैं। अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ये राइबोसोम्स होते हैं, इसका CDNA क्लोरोप्लास्टिडियल DNA होता है, स्ट्रोमा होता है, ग्रेनम्स एंड इंटरग्रेनम्स होते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर की थोड़ी सी अपन बात करते हैं। इसमें स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा इज लिक्विड पार्ट, इनर फ्लूड विथ DNA राइबोसोम्स होता है, ग्रेनम होता है, स्टॉक्स होता है, थाइलेकोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं खूब सारे, थाइलेकोइड डिश लाइक मेम्ब्रेन्स विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इंडक्शंस विच आर इंडक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द लाइसिस ऑफ वाटर एंड ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कन्वर्टेड द यूजुअल एनर्जी, क्लोरोफिल ए अप्रोक्सीमेटली 300 मॉलिक्यूल सेंटर एंड एसेसरी पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो देयर।